On February the 22nd, in Northeast Delhi, there was a deployment of 450 police personnel, according to the affidavit given to the High Court by the Delhi police. On February 23rd, there were 1,393 deployment. On that day, there were 700 distress calls made to the police, most of which went unanswered. February 23rd was the day when the riots and the violence started. On February 24th, there were 13 deaths, but the Home Ministry of India chose to deploy only 6 more police personnel. So it went up to 1,399. It was only on February 24th evening that Section 144 was imposed. So the whole of the 24th and 24th, even Section 144 was not imposed. मेरा घर से बच्चा निकला था करीब 2:30 बजे दिन में. उसने ये कहा था मैं चौमिन लेने जा रहा हूँ. मेरे घर से 100 मीटर दूरी पे जैसे ही गया तो उधर से पुलिस आई और उसके सीधे सर में गोली ठोक दी. वो आंसू गैस से गोला ठोका. उसी टाइम जो है वो किसी को वहां पे जाने नहीं दे रहा था और पुलिस वाले ने चारों तरफ से घेर लिया. पकड़ के वो कहाँ ले गया, वो हॉस्पिटल ले गया. मैं अपने आप ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुंचा. मेरे रिपोर्ट में आया है कि तुम्हारा बच्चा गिर गया और मर गया. आज जो हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और बहुत कष्ट में अपने दुख को संभालते हुए कुछ परिवार आपके सामने अपने बयान इसलिए रखे हैं क्योंकि एक साल के बाद भी जो किसी भी सभ्य सरकार से या किसी भी देश की न्यायपालिका से जो न्याय की उम्मीद की जा सकती थी वो नहीं मिली. 26 तारीख को भर्ती कर दिया. 1 महीने हम हॉस्पिटल रहे. उसके बाद की बात पता नहीं कि आगे क्या हुआ कॉलोनी में, क्या नहीं, कैसे. और सारा मेरी शिवहार में मकान मस्जिद ऐसे जलाई हैं, क्या आपको बताएं. तो ये इनकी हिम्मत है और उन 54 परिवारों की हिम्मत है कि देश के सामने जो हकीकत है वो अपनी बात रख रहे हैं इतनी दुख की बोझ की साथ साथ. तो उनको ताला तोड़ के पलंग के अंदर घुस के उनको निकाल के, तो उनके एक जीजा भी था मेरा आदमी की जीजा जी, तो उनको भी पहले उनको मारा है. लात घूसा खूब मारा है. मारने के बाद उसको तो छोड़ दिया. पलंग के अंदर ढक्कन खोली. खोलने के बाद उनको पलंग के अंदर छरिया मार रहे थे. छरिया मारने के बाद उनको मैं इन केसों को इस रूप में देखती हूँ कि व्यक्तिगत जो दुख है, जो पीड़ा है, वो तो भरा नहीं जा सकता और वो तो है, लेकिन इसके पीछे जो दोषी हैं, क्या उनको सजा मिली है. मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरे भाई को जानबूझ के गोली मारी गई थी 24 तारीख को. और फिर मैं उनको यूपी लेके गया मट्टी जी. मैंने उनको फिर उसके बाद में मुझे पुलिस वालों ने इतना परेशान करा. रात को मुझे दंगों के टाइम में बुलाया. रात को 11 बजे 10 बजे 11:30 बजे इस टाइम मुझे बुलाते थे और मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मुझे केस चलाना था. हमारी जो रिपोर्ट हमने बनाई है उस पर आपके पास हमने कॉपीज दी है. उसमें इसके पीछे जो राजनीति है और कौन कौन सी स्टेट एजेंसीज इस सबवर्शन ऑफ जस्टिस में शामिल है, हमारी जो रिसर्च रही
और हमने जो तमाम एफिडेविट्स, चार्जशीट्स, पुलिस के अलग अलग बयान के आधार पर जो हम पाए हैं कि ये पूरी तौर पर हिंसा के पीछे, इतने लंबे खिंचने के पीछे देश की राजधानी में 5 दिन लगातार हिंसा चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। उस देश की जो दावा करते हैं वी आर द बेस्ट गवर्न्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर द विश्व गुरु, इट इज नॉट पॉसिबल दैट इन द कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर 5 डेज द सिटी शुड बर्न अंडर द डायरेक्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉनिटरिंग ऑफ द होम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। गाड़ी तो मार दिया पार्टी पे, 1 साल हो गए मेरे बच्चों को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। On February 25th, there were 29 deaths. The deployment of police went up to 4,291. That day there were 7,500 distress calls, most of which went unanswered. And the answer of the police is that we were unable to attend to the distress calls. So 7,500 citizens of Northeast Delhi, whether they were Muslim or Hindu, they were distress calls. They went unanswered, most of them. And the curfew was imposed on a day of 29 deaths only in the late evening. On February 26th, 4,600, only 400 extra. There were 8 deaths and 1,500 distress calls. 27, 3 deaths and some more police were deployed. The role of the Delhi police and the role of the Home Ministry of India. And the third, the political dimension. You have heard, an MLA was seen in the crowd. Mumtaz has got the list of BJP leaders who were in the crowd. But the police have not taken a single statement from him. Inke paas gawah hai, inke paas videos hai, jo inka dukaan jalaya ja raha hai. Log dikh rahe hai. Mohan nursing home mein jo log the, unka owner ko पूछताछ भी नहीं की, गिरफ्तारी की बात तो छोड़िए। There are clear shots, Shahbaz, that is Faizan's brother. The witness to Faizan's brother Shahbaz's killing, the boy who carried him in that crowd to the thana, to the hospital to save him, he was seen in the thana being beaten up. Faizan is a witness to it, but the police have not taken his statement yet. Malika is a witness. The police have not even visited her or taken a statement from her. Vakil Saab's Puri family's witness, nobody has taken a statement. Therefore, what does this mean? It means there is a deliberate subversion of justice, because the truth has been hijacked to conceal the role of BJP leaders.